तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना YouTube वीडियोस जो है डेली मोशन पे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या अभी जो भी कह लीजिए वो कर सकते हैं। ये बड़ा ही इजी प्रोसेस है। अभी तक कोई ऐसा वेबसाइट नहीं बना है सिवाय एक वेबसाइट के, तो एक ही ऐसा मतलब एक और वेबसाइट था मेरे पास, लेकिन वो पेड वर्जन, मतलब वो पेड है, तो इसलिए मैं पेड वाला बताऊँगा नहीं, मैं आपको फ्री वाला बताऊँगा कि एक फ्री वेबसाइट है जिससे आप अपना पूरा का पूरा यूट्यूब वीडियो जो है सो डेली मोशन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूट्यूब से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे और एक नया टैब खोल लेंगे और उसमें टाइप करेंगे, देख लीजिए क्या टाइप कर रहे हैं, अपलोड डॉट tm और इंटर मार देंगे। देखिए ये वेबसाइट खुल गया। अगर ये वेबसाइट ना खुले तो ये जो है सो मतलब कभी कभी नहीं खुलता है, कभी कभी ये सीधे गूगल में खुल जाएगा, सर्च कर देगा। जैसे कभी कभी ये गूगल खोल देता है, फिर भी गूगल में फर्स्ट लिंक आएगा आपको यूनिवर्सल अपलोडर अपलोड डॉट tm, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का नहीं खुलेगा। इस तरीके का मेरा इसलिए खुल रहा है क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है, तो आपका कुछ इस तरीके से खुलेगा, आपका इस तरीके से खुलेगा अपलोड डॉट tm। आप देख सकते हैं कैसे खुल रहा है, तो इसमें देख सकते हैं सबसे ऊपर में है YouTube टू डेली मोशन, और ये देखिए YouTube टू डेली मोशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, खुलने देते हैं, ये खुल गया। उसके बाद आपको डैशबोर्ड फॉर एवरीवन है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू यूनिवर्सल अपलोडर, उसके बाद आपको YouTube और डेली मोशन के अकाउंट से पहले ही से ही लॉगिन करना पड़ेगा इस सिस्टम में, और इसलिए आपको कंटिन्यू विद मतलब दोनों अकाउंट को लिंक करना है इस मतलब इसके सर्वर से। तो इसके लिए आपको कनेक्ट टू YouTube पे, ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट टू YouTube है, इस पर क्लिक करना है। ये नया खोल देगा, मतलब जिससे आप इसको मतलब ऑथराइज करेंगे, और पहले अकाउंट सेलेक्ट करना है आपको कोई सा भी अकाउंट, तो मेरा उत्सव निशांत फूड हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यही मेरा यूट्यूब चैनल है और इसी को हमको माइग्रेट करना है, सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद कुछ इस तरीके का खुलेगा, उसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो आ गया उत्सव निशांत और यूट्यूब। उसके बाद आपको राइट साइड जाना है यहाँ पे डेली मोशन पे, और कनेक्ट विथ डेली मोशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का खुलेगा, आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ईमेल एड्रेस है मेरा, जैसा कि आप जानते हैं उत्सव निशांत फोर डॉट, वो भी मतलब डेली मोशन का ईमेल एड्रेस जिस पे आपको ट्रांसफ़र करना है, तो मेरा वो अकाउंट है ये, और पासवर्ड है मेरा जो कि है, तो ये मेरा पासवर्ड रहा। आपका जो भी पासवर्ड होगा उससे आप साइन इन कर लेंगे, आपको डेली मोशन में साइन इन करना है। उसके बाद आपका डेली मोशन खुल जाएगा, और उसके बाद आप डेली मोशन से पहले से ही मतलब उसके बाद ये खुल जाएगा कुछ इस तरीके का। आपको बोलेगा सिंस योर वीडियो नाउ, चूज द वीडियो टू बी सिंस, और यहाँ पे एक चीज़ लिखेगा योर चैनल आर कंट्री अंडर रिव्यू, यू स्टार्ट यूजिंग री अपलोडिंग सर्विसेज वॉज रिव्यू हैज पास, दिस प्रोसेस यूजली टेक्स अबाउट 24 आवर्स, सोर्स चैनल रिस्ट्रिक्शन। इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो पढ़ लेते हैं। ओनली पब्लिक वीडियो आपका जो है सो उस प्लेटफॉर्म से मतलब चेंज होगा, मतलब कहने का मतलब ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद प्राइवेट अनलिस्टेड और लाइव स्ट्रीम जो है सो ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन है डेली मोशन पे, इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसके कारण जो है सो डेली मोशन पे मैक्सिमम 10 वीडियो पर डे और जो है सो मैक्सिमम अप 4 वीडियो पर आवर जो है
अपलोड किया जा सकता है, और अपलोड मैक्सिमम 60 वीडियो जो है सो पर वीडियो का जो है 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है डेलीमोशन पे। और तीसरा है कि अपलोड और टोटल 2 आवर्स पर डे, मतलब एक दिन में 2 घंटे का वीडियो ही अपलोड होगा, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा बाकी सब ठीक है। और ये अंदर अभी मेरा अकाउंट अंडर रिव्यू चला गया है, अभी 24 घंटा लगाएगा, और उसके बाद अगर ये मतलब मेरा अकाउंट पास हो जाता है, देखने मेरा अकाउंट को देखा जाएगा कि सही में मेरा अकाउंट वर्थ करता है कि नहीं, मेरे पास वीडियोज़ है या नहीं, मेरे वीडियो जो है इस काबिल है कि नहीं कि मतलब ट्रांसफ़र किया सकते हैं, तो अगर वो उनको चेक करने के बाद उनको लगा कि अगर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए तो वो जो है सो आपको ट्रांसफ़र करने देंगे। और उसके लिए आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा वीडियोस है, मेरे पास लगभग 461 वीडियोस है, ये सब मैंने खुद क्रिएट किया है, देखिए कहीं से कॉपी नहीं किया है मैंने, सारा मेरा खुद का वीडियो है, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ये देखिए ये सब वीडियो मैंने आज कल बनाया है, हाउ टू यूज़ OBS इंडिया, हाउ टू डाउनलोड OBS इन Ubuntu इंडिया, उसके बाद हाउ टू रिकॉर्ड स्क्रीन Ubuntu, हाउ टू स्ट्रीम 24/7 ऑन YouTube, डाउनलोड YouTube वीडियोज़ फ्रॉम क्रोम इवन आफ्टर बैनिंग YouTube डाउनलोड एक्सटेंस, ये सब मेरा वीडियो है खुद से क्रिएट किया गया, और सारा वीडियो मेरे चैनल पे खुद से क्रिएट किया गया, कहीं से कॉपी नहीं है, इसलिए फिर भी मेरे पास 461 वीडियो है, और 461 वीडियो आपको पता है बनाने में कितना टाइम लगता है, फिर भी मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लगभग लाता रहता हूँ, जो मेरे पास जो भी रहता है कंटेंट मैं उसे अपलोड करता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको अपलोड करना है सारा ना तो स्टेटस पे चेक कर दीजिए, सारा चेक हो जाएगा, और जब ये अंदर रिव्यू से बाहर आ जाएगा, आपका जो रिव्यू हो जाएगा मतलब जब अकाउंट पास हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे बटन आएगा ट्रांसफ़र का, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो यहाँ तक मैंने इसलिए बताया है क्योंकि मतलब मेरा अकाउंट अभी अंदर रिव्यू चला गया है, मैं एक ट्यूटोरियल जो है सो पूरा नहीं बता सकता था, इसके लिए टाइम लगता, तो इसलिए जो है सो आपका जब अकाउंट बार बार चेक करते रहिएगा 24 घंटे, एक या दो दिन के बाद चेक कीजिएगा आपका अकाउंट जो है सो रिव्यू, अगर आपके अकाउंट में अगर रियल वीडियो है तो, अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हैं या कुछ ऐसा क्रिएट कर मतलब किसी का कॉपी करके अपलोड कर रहे हैं वीडियो, तो आप उम्मीद भी मत कीजिए इसको यूज़ करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, इसमें आपका अपना वीडियो होना चाहिए, या फिर कुछ भी जो कॉपीराइट में मतलब कॉपीराइट ना होना चाहिए, कॉपीराइट किसी का नहीं होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए पूरा प्रोटेक्टेड, तभी आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो मेरा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, और तब आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।